महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल नाश्ता कोथंबीर वड़ी आज बनाएंगे। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से सॉफ्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स का एक खास स्वाद है। ऐसा स्वाद कि आपके पूरे परिवार को पसंद आए। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1 कप बेसन, वजन में 100 ग्राम, और कोथंबीर बड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी बने उसके लिए डाल रहे हैं 1/4 कप चावल का आटा। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और क्रिस्पनेस आती है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बेसन की गुठलियाँ फटाफट खत्म हो गई। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सा पानी डाल देते तो गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत समय लग जाता। अब हम इसे पतला करेंगे। तो ये 1 कप पानी ले लिया था, 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप आटा हो गया, यानी आटे से दुगना पानी। पूरा पानी 2.5 कप डाल दिया और देखिए फटाफट ये अच्छे से पानी में घुल गए। अब थोड़े से मसाले, इसमें खट्टा स्वाद आने के लिए ये 1/4 कप दही। दही की जगह आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, इसकी जगह आप अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार ले लीजिए। अब खास मसाला, 1 छोटी चम्मच चीनी। खट्टी मीठी तीखी, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। और अगर आपको चीनी नहीं पसंद हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको और ज़्यादा तीखा बनाना हो इसमें आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं 1/2 छोटी चम्मच। तो ये घोल बनके तैयार हो गया। अब चलते हैं गैस के पास। ये कढ़ाई, और इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को धीमा कर दीजिए ताकि मसाले जले ना। और ये 2 टेबल स्पून तेल, हल्का सा भून लेते हैं। 1 छोटी सी पिंच हींग, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ये 1/4 कप भुने हुए मूंगफली के दाने, दरदरे पिसे हुए। तिल है, मूंगफली के दाने हैं, बहुत ही अच्छा इन नट्स का फ्लेवर आता है। 1 मिनट इन्हें भून लिया ऑयल के साथ में। अब फ्लेम को कर दीजिए धीमा, और ये जो घोल बनाया था इसे एक बार और अच्छे तरीके से चला लीजिए, क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है ना। और अब ये घोल कढ़ाई के अंदर, इसे डालते समय फ्लेम धीमी रखें एकदम। अब मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए कुक कीजिए। बहुत जल्दी कुक हो जाता है ये, लेकिन चलाने का बराबर ध्यान रखना है। कुक करते हुए अभी 1 मिनट हुआ है, और देखिए ये कितना गाढ़ा हो चला। इसे जल्दी जल्दी चलाते रहें, पूरा ध्यान रखें, गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए इसमें। कुक करने के लिए कढ़ाई भारी तले की लें और थोड़ी सी बड़ी लें, क्योंकि इसे जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, उसमें आसानी रहती है। 5 मिनट कुक कर लिया, और ये कितना गाढ़ा हो गया है। आप गिराएंगे तो ये थक्के के रूप में गिरेगा। इतना गाढ़ा होने तक इसे कुक कर लीजिए। फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब ये 2 कप भर के हरा धनिया, कोथंबीर यानी कि हरा धनिया। अब ये धनिये की बड़ी है तो धनिया तो ज्यादा डालेंगे ही। धनिये को अच्छे तरीके से धोया, सुखाया और बारीक काट लिया। वैसे ये 200 ग्राम धनिया था जिसकी डंडियां हटाकर पत्तियां काट ली हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। तो ये मिल गए। अब इसे जमाने के लिए एक ट्रे, थाली, कुछ भी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और ऑयल को अच्छे तरीके से लगा दीजिए चारों ओर। अब ये मिक्सर ट्रे में डाल दीजिए और ऑयल लगे चम्मच से एक जैसा फैला दीजिए। अब इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठंडी होकर सेट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस। 1/2 घंटे में ये एकदम से ठंडा हो गया और अच्छे तरीके से सेट हो गया। अब इसके पीसेस बनाते हैं। बिल्कुल बर्फी की तरह से कट रहा है। अगर इस पर थोड़ा सा चिपक गया है ना, इसे हटा के थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए चाकू के ऊपर। ये मैंने ऑयल लगा लिया। पीसेस थोड़े छोटे बड़े आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। पीसेस अलग कर लेते हैं, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं चटनी और सॉस के साथ, लेकिन थोड़ा सा इन्हें तल लिया जाए तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये एक प्लेन तले की कढ़ाई ले ली और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और अब इसे गर्म होने दीजिए। ऑयल अच्छा गर्म है और फ्लेम भी तेज है, और इन्हें एक एक करके इसमें इस तरीके से तलने के लिए लगा दीजिए।
ये प्लेन तले वाली कढ़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में तल जाएंगे। इन्हें 3-4 मिनट फ्राई किया और पहले से झाग भी कम दिखाई दे रहे हैं, पलट कर देखते हैं, ये नीचे की ओर से हल्के से ब्राउन हो गए। सारे पीसेस पलट दीजिए फटाफट, फ्लेम तेज ही रखनी है। ऊपर से क्रिस्प हो जाते हैं बढ़िया से और अंदर से सॉफ्ट। दूसरी ओर से भी 3 मिनट सेक लिया, इधर से भी गोल्डन हो गई है। थोड़ा सा पहली वाली साइड और सेक लेते हैं, ये चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, बढ़िया से क्रिस्प हो गए। तो इन्हें पहले उठाकर हम कलछी के ऊपर रख लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। फ्लेम को धीमा कर लेते हैं। बचे हुए पीसेस भी इसी तरह से तल लेते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है। अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो कढ़ाई में 1 या 2 टेबलस्पून तेल डालिए और इनके पीसेस आप सेकने के लिए लगा दीजिए। अलट पलट कर हल्का सा ब्राउन होने तक सेक लीजिए। यह हमने 2 बैच तलकर तैयार कर लिए। एक बैच को तलने में 10 मिनट लग जाते हैं और ये 4 कॉर्नर हमने बचा लिए। इन्हें ऐसे ही चटनी के साथ खाएंगे, ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोथिंबीर वड़ी बनकर तैयार है। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ में परोसिए, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, जब आप इसका घोल बना रहे हैं तो जिस बर्तन से आप बेसन नाप रहे हैं उसी बर्तन से दुगना पानी नाप कर डालें। घोल को कुक करें तब ध्यान रखें, जल्दी जल्दी चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना आए। और जब आप पीसेस को तलने डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और फ्लेम भी तेज़ होनी चाहिए। अलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। और इनकी एक ख़ास बात है, आपने इनके पीसेस बना लिए, उन पीसेस को आप फ्रिज में 2 दिन तक रख कर कभी भी जब आपको परोसनी है तब फटाफट निकालिए फ्रिज से और तलिए और गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। तो आप ना बनाइए, खाइए और बताइए कैसी बनी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।